Hello, class 10th. Now, class 10th, today we are going to start with a new chapter, that is electromagnetism. Now, as from the word, it is clear to you that what we are doing, we are making a magnet which works with the help of electric current. Okay, so iske liye what we have to do, first of all, let us discuss few experiment which proves that there is a existence of a magnetic field when current flow in the conductor. Okay, जब किसी conductor से current flow करता है तो उसके around क्या होता है, एक magnetic field develop होती है. तो this is proved by an Ostrid experiment. ये किसने prove किया था? It is proved by Ostrid. Ostrid ने एक experiment किया and he has proved कि दैट जब भी किसी वायर से करंट फ्लो करता है, सो देन इन दैट केस द इलेक्ट्रिसिटी इज डेवलप्ड इन दैट केस. तो क्या होता है, इन दैट केस द मैग्नेटिक फील्ड इज डेवलप्ड अराउंड दैट कंडक्टर. उस कंडक्टर के अराउंड क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है. सो लेट अस सी कि वो एक्सपेरिमेंट क्या था. सो व्हाट डज द ऑस्टेड डू, उसने क्या किया, ही हैज टेकन अ वायर, एक वायर उसने लिया and he has connected it with a battery, एक DC source से connect किया and यहाँ पर उसने क्या किया, एक key लगा दिया. Okay, here is a key, ये key है and then he has completed the circuit, circuit को complete किया और just इसके पास उसने क्या किया, एक magnetic needle को रख दिया. Now what is magnetic needle? Magnetic needle which shows you द ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ, जो क्या करती है, इट इज अ सिंपल बार मैग्नेट जिसकी हेल्प से आप ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ को डिटेक्ट को का पता लगा सकते हैं. सो व्हाट डज ही नोटिस, कि जब तक की ऑफ है तो इन दैट केस जो नीडल्स हैं दे आर पैरेलल, देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द इन दिस नीडल. ओके, इन दिस मैग्नेटिक नीडल कोई डिफ्लेक्शन उसमें नहीं है, लेकिन जैसे ही वो करंट को ऑन कर रहा है, उसने क्या किया, करंट को ऑन किया, देन ही सी देयर इज अ डिफ्लेक्शन इन द मैग्नेटिक नीडल. तो मैग्नेटिक नीडल्स में क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन हो रहा है. सो डिफ्लेक्शन हो रहा है तो दैट मीन्स देयर इज अ फील्ड विच एग्जिस्ट. सो इससे प्रूव हो रहा है कि जब करंट फ्लो कर रहा है तो देयर विल बी द एग्जिस्टेंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड. जब क्या होता है, स्टार्टिंग में तो ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ को फेस कर रहा है, लेकिन जैसे ही मैंने यहां से करंट को ऑन किया तो करंट को जैसे ही मैं ऑन करूंगा तो करंट विल फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ क्या करेगा, करंट फ्लो करेगा, और जैसे ही करंट फ्लो करेगा तो देयर इज अ डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर, इन द मैग्नेटिक नीडल. मैग्नेटिक नीडल में क्या होगा, देयर इज अ डिफ्लेक्शन. तो डिफ्लेक्शन ये प्रूव कर रही है कि देयर इज द एग्जिस्टेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. क्या क्या हो रहा है कि एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है. कब क्रिएट हो रही है, व्हेन द करंट इज फ्लोइंग इन द वायर, और जैसे ही वो उसको ऑफ कर रहा है तो देयर इज नो डिफ्लेक्शन. उसने क्या किया, नेक्स्ट टाइम डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, मींस के नेगेटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया, देन अगेन ही हैज नोटिस, बट दिस टाइम द डिफ्लेक्शन विल बी इन द अपोजिट डायरेक्शन. डिफ्लेक्शन क्या थी, वो अपोजिट डायरेक्शन में थी. तो दैट मीन्स यहां से ये प्रूव हो गया कि देयर इज द एग्जिस्टेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड व्हेन करंट फ्लो इन द सर्किट. ओके, एक और एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने किया. व्हाट वी हैव डन, वी हैव टेकन अ पीस ऑफ अ कार्डबोर्ड, एक कार्डबोर्ड का मैंने पीस लिया, वी हैव टेकन अ पीस ऑफ अ कार्डबोर्ड, यहां से मैंने एक स्ट्रेट वायर को पास किया. ओके, एक स्ट्रेट वायर को मैंने इससे पास किया एंड दिस वायर इज कनेक्टेड टू द बैटरी, और इस वायर को क्या किया, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया. वी हैव कनेक्टेड दिस वायर विद अ बैटरी. ओके, से इन दिस वे इट इज कनेक्टेड विद अ बैटरी, एक बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया. हियर वी हैव अरेंज्ड अ की, यहां पर एक मैंने की लगा दी. ओके, दिस इज द की अगेन. नाउ व्हाट, एंड सम डस्ट पार्टिकल्स मैंने इसके ऊपर डाल दिए, आयरन डस्ट पार्टिकल्स मैंने डाल दिए. वी नो के आयरन क्या करता है, मैग्नेट क्या करता है, आयरन को अट्रैक्ट करता है. सो वी हैव नोटिस कि देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस अराउंड दिस वायर, जो स्ट्रेट वायर है इसके अराउंड क्या हो रहा है, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्रिएट हो रही है. ओके, सो यहां से ये प्रूव हो गया बेटा कि देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द
गिवन कंडक्टर, जब भी किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट को आप पास करते हैं तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हाउ टू फाइंड आउट द डायरेक्शन, डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करनी है इसकी। तो डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए वी आर हैविंग द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड थंब रूल। उसका लेफ्ट हैंड थंब रूल है, अकॉर्डिंग टू दैट रूल क्या है उस रूल के अकॉर्डिंग कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर इफ सपोज आई होल्ड इट लाइक दिस, ऐसे करके मैं उसको होल्ड कर लूंगा, ओके ऐसे मैंने उसको होल्ड कर लिया, वी आर होल्डिंग इट लाइक दिस, ऐसे होल्ड किया, सो दिस थंब शो मी द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। ये शो क्या कर रहा है, डायरेक्शन शो कर रहा है किसकी, इलेक्ट्रिक करंट की, एंड थंब को मुझे ऑलवेज पॉइंट करना है किसमें, टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, एंड दीज फिंगर्स शो मी द एग्जिस्टेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, बाय सिंपली बाय ड्राइंग द टेंजेंट एट दैट पॉइंट। सपोज इस पॉइंट पे निकालनी है तो यहाँ पे टेंजेंट मैंने ड्रॉ कर दिया, तो डायरेक्शन विल बी इन दिस वे। यहाँ पे फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे अगेन आई विल ड्रॉ द टेंजेंट, यहाँ पे फाइंड आउट करना है तो अगेन आई विल ड्रॉ द टेंजेंट, यहाँ पे ड्रॉ करना है तो अगेन आई विल ड्रॉ द टेंजेंट। सो टेंजेंट ड्रॉ करके भी मैं आई कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, और बाकी तो लेफ्ट हैंड थंब रूल फ्लेमिंग का मुझे पास है, विद द हेल्प ऑफ दैट वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। आगे चल के जो ये स्ट्रिप का एक्सपेरिमेंट था बहुत ज्यादा हम लोगों के काम आया इन मेकिंग डिफरेंट अप्लायंसेस, कई सारे अप्लायंसेस हम लोगों ने क्रिएट किए, ओके इसकी हेल्प से सो मेनी अप्लायंसेज लाइक इलेक्ट्रिक बेल, जिसमें भी हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करते हैं, जिस जहां पर भी हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करते हैं, तो there is a existence of a magnetic field, magnetic field वहाँ पे exist कर रही है, so that means we are using this principle, इसी वाले principle को हम लोग use कर रहे हैं। So you have proved that, हम लोगों ने prove कर दिया कि there is a existence of the magnetic field when the current flow through the conductor. Okay, so this is just a beginning of the chapter. अभी chapter start हुआ है, इसमें आगे चल के बहुत सारे twist आएंगे, so many things which we have to learn. Okay, we have to see the construction of the electric bell, electric bell का construction देखना है, तो in my point of view the chapter is very important. Okay, but I don't know कि what do you think about the chapter, but this chapter is again the important chapter which we are doing now. So be keep on watching the videos, इसकी एक भी video miss मत करना, otherwise you are not able to get it. इस एक video अगर miss करोगे next देखोगे तो you don't get anything. So please don't miss the video, please keep on watching the videos. So for today only this much, thank you very much.